हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे या इस लेक्चर में हम सेल के इंट्रोडक्टरी आइडिया के बारे में जानकारी लेंगे। सेल, इट्स स्टडी इज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी और एनसीईआरटी का जो चैप्टर ही है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो बोथ आर डिस्कस्ड अंडर दिस चैप्टर। द स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, सेल का स्टडी साइटोलॉजी कहलाता है। देन सेल है क्या, व्हाट इज सेल? जैसे आपने देखा मकान अगर हम बनाते हैं तो ब्रिक्स को यूज करते हैं, तो ब्रिक्स उसके स्ट्रक्चरल यूनिट हो गए। तो अपन जितनी भी लिविंग बॉडीज इस अर्थ पे हैं, जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं इस अर्थ पर, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल लिविंग्स, जितने भी लिविंग, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल। दैट्स व्हाई सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल से मेरा कहने का मतलब यह है कि बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, दैट्स व्हाई सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। एंड ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जिसके कारण हम जिंदा है, ऑल वाइटल एक्टिविटीज आर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर अल्टीमेट परफॉर्मेंस ऑफ सेल। ये सब सेल से ही होती है। हम जो जिंदा है, जिंदा रहने के लिए जो भी एक्टिविटीज आज हम कर रहे हैं वो अल्टीमेट परफॉर्मेंस किसके हैं? सेल के। इसीलिए सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन अगर मैं स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करता हूं तो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट अंडर टू कैटेगरीज, यूनिसेलुलर। सिंगल सेल से बनी हुई बॉडी, सिर्फ एक सेल से बनी हुई बॉडी जिनकी है वो है यूनिसेलुलर। और इसके अंदर आते हैं मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा और मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा। मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा एंड मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा आर इंक्लूडेड अंडर यूनिसेल ऑर्गेनिज्म। एक सेल की ही बॉडी, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और जितने भी लाइफ के लिए एसेंशियल फंक्शंस हैं, बुक में आप देखना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एक तो ये और दूसरा जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सब सिंगल सेल ही इनकी परफॉर्म कर देती। तो दीज आर यूनिसेलुलर, दोज बॉडी मेड अप ऑफ वन सेल। नंबर टू मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नाम ही मल्टी, मेनी, मेनी सेल्ड बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स आर मेनी सेल्ड बॉडी। नंबर ऑफ सेल से बना हुआ शरीर, तो दे आर मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई। फंजाई किंगडम के मेंबर्स प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये तीनों किंगडम इसके अंदर रखे जा सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। ये ठीक है, फंजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया इनकी बॉडी नंबर ऑफ सेल्स से बनी। ह्यूमन बॉडी इसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई, ठीक है। तो ये तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको जस्टिफाई कर दिया
कि स्ट्रक्चरल यूनिट चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, परंतु बॉडी किसकी बनती है? सेल की। और इस सीरीज में एक एक्सेप्शन डाल दीजिए, वायरसेस आर नॉन सेलुलर। वायरसेस कैसे हैं? दे आर नॉन सेलुलर। वायरसेस आर नॉन सेलुलर, इनकी बॉडी सेल से नहीं बनी। वायरसेस आर नॉन सेलुलर, या इनका जो बॉडी वर्ड ही कहना इनके लिए बेकार है। दीज आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आर एंटिटी आर अ पार्टिकल। वायरसेस आर एंटिटी पार्टिकल और अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, दैट इज देयर बॉडी इज नॉन सेल्यूलर। इसीलिए आप देखिए इन किंगडम में कहीं पर भी इसको जगह नहीं मिली, क्योंकि सेलुलैरिटी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। द हेंस वायरसेस कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी किंगडम। तो खैर अभी तो बातें चल रही कि एक्सेप्शन ऑफ सेल, एब्सोल्यूट एक्सेप्शन की बात करोगे तो वायरसेस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल। अब इसके बाद की बात शुरू होती है। ये तो बात हो गई इसकी कि सेल क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आते हैं सेल डिस्कवरी पर, सेल की डिस्कवरी। सेल की खोज किसने करी? सेल डिस्कवरी या हु डिस्कवर्ड सेल? तो इसमें आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। ईयर याद रखेंगे 1665। रॉबर्ट हुक 1665। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये कि सेल का डिस्कवरर कौन है, तो ये आंसर देंगे कब करी डिस्कवरी, तो आंसर 1665। दूसरा आंसर और आ सकता है इसमें, रॉबर्ट हुक वर्कड इन 17th सेंचुरी। रॉबर्ट हुक ने 17वीं शताब्दी में सेल की खोज करी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 17th सेंचुरी। उसमें भी फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ आ जाए तो 65, दैट इज सेकंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, ही वॉज इंग्लिश, दैट इज सिटीजन ऑफ यूके। यूके का सिटीजन ब्रिटिश बंदा था, ये ब्रिटिश था। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी, वो इंग्लिश या ब्रिटिशर था। ही डिस्कवर्ड सेल फ्रॉम कॉर्क। एक क्वेश्चन ये निकला, ही डिस्कवर्ड सेल फ्रॉम कॉर्क, सेल को इसने किससे खोजा? आंसर दोगे कॉर्क। सेल की डिस्कवरी इसने किससे करी? आंसर आएगा कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कॉर्क से करी। थोड़ा सा कॉर्क का ब्रीफिंग दूं, कॉर्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम अ प्लांट क्यूरकस सुबेर। ये एक प्लांट है क्यूरकस सुबेर, ये प्लांट है। इसकी ये बार्क है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बार्क। बार्क को इन जनरल हम हिंदी में छाल कहते हैं, तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बार्क, बार्क का आउटर मोस्ट पार्ट है। और टेक्निकल टर्म इसके लिए फेलम भी है, इसके लिए कॉर्क के लिए अपन फेलम टर्म भी यूज करते हैं। इट्स अ नॉन लिविंग पार्ट, कॉर्क नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, कॉर्क इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, कॉर्क नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। अभी से बता दिया सबसे बाहर का भाग है, बार्क का सबसे बाहरी नॉन लिविंग पोर्शन ही होता है कॉर्क। और एक और इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन,
This plant is commercial source of cork. This plant is commercial source of cork. तो ये utility के हिसाब से भी ये question आता है, ठीक है? पर ये फिर section बदल जाएगा, ये आपको आखिरी वाले chapters में चला जाएगा, utilitarian वाले हिस्सों में जा सकता है, ठीक है? तो कॉर्क से रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी, रॉबर्ट हुक टुक थिन सेक्शंस, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के बिल्कुल पतले पतले सेक्शंस लिए, रॉबर्ट हुक थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व्ड देम अंडर माइक्रोस्कोप, इनको इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में जब देखा, ही ऑब्जर्व्ड हनी कुंभ लाइक चैम्बर्स, जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस लिए और उनको माइक्रोस्कोप में रख के देखा, तो उसको हनी कुंभ लाइक चैम्बर दिखाई दिए, मधुमक्खी का छत्ता, शुद्ध भाषा में इसको कहते हैं मधुमक्खी का छाता, ठीक है? हनी कुंभ लाइक चैम्बर्स उसको दिखाई दिए और इसी से उसने टर्म निकाला फिर, तो टर्म वॉज ऑल्सो कॉइंड बाय टर्म सेल वॉज ऑल्सो गिवन बाय रॉबर्ट हुक, टर्म सेल भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया है, ये टर्म भी रॉबर्ट हुक का है। तो ये चैम्बर्स एम्प्टी चैम्बर्स थे, खाली कक्ष थे, एम्प्टी चैम्बर्स थे, तो उनके लिए एक लैटिन वर्ड था सेलुला, उससे ये निकला हुआ, ठीक है? तो ये टर्म सेल, सेला टर्म से आया है, ठीक है? तो ये एम्प्टी चैम्बर्स थे, एम्प्टी चैम्बर्स, ठीक है? तो ये रॉबर्ट हुक का इतना काम, तो उसको केवल He observed the boundary wall of cell, that is cell wall. अब आगे की बात करें, ये तो इसकी बात हो गई, रॉबर्ट हुक ने जो जो किया वो इधर आ गया, और एक बुक है जो पहले दिल्ली पीएमटी हुआ करती होती, उसका क्वेश्चन भी हरियाणा साइड की पीएमटी का, माइक्रोग्राफिया वॉज रिटन बाय रॉबर्ट हुक, gives idea about his work. माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक ने लिखी हुई है regarding cell. तो ये सारे वर्क तो रॉबर्ट हुक के हो गए, ये काम किसने करे? रॉबर्ट हुक, जितनी बात मैंने करी अभी ये रॉबर्ट हुक की हो गई। अब आते हैं कुछ अपन ड्रॉबैक्स देखें इसके, रॉबर्ट हुक के इसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या ले लिए लोगों ने, जिससे आगे कुछ बात आई। तो रॉबर्ट हुक ने जो काम किए थे उसकी भी कमियां निकाली, ड्रॉबैक्स। रॉबर्ट हुक डिड नॉट डिस्कवर फ्री लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज नहीं करी, कैसे? देखो, ये देखो ग्रुप में दिख रही कि आपको फ्री दिख रही, ये बहुत सारी सेल्स हैं, जिसमें से एक बहुत छोटा सा हिस्सा मैंने डिस्प्ले किया, ये बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें भी एक छोटा सा हिस्सा पर डिस्प्ले किया है, तो अगर मैं देखूं तो एक सेल की स्टेटस सिर्फ इतनी होती, तो इसलिए ये वाला बात आ गया कि वो सेल फ्री नहीं था, इट वॉज इन द ग्रुप। फिर रॉबर्ट हुक ने दूसरी बात कि जो कॉर्क से डिस्कवरी की, तो कॉर्क जो है वो नॉन लिविंग है, कॉर्क इज नॉन लिविंग,
कॉर्क जो है जिससे सेल की डिस्कवरी हुई नॉन लिविंग, तो वो जो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल देखा गया वो लिविंग नहीं था। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा वो लिविंग नहीं था। क्लियर। अब इसके बाद दूसरी तीसरी बात और आती है, ही ऑब्जर्व्ड ओनली बाउंड्री वॉल ऑफ सेल। ही ऑब्जर्व्ड ओनली बाउंड्री वॉल ऑफ सेल, ओनली बाउंड्री वॉल ऑफ सेल, सेल की केवल इसने बाउंड्री वॉल को देखा। ही ऑब्जर्व्ड बाउंड्री वॉल ऑफ सेल, उसने सेल की केवल अभी बाउंड्री वॉल की पर डिस्कवरी करी, ये सिर्फ उसकी बाउंड्री वॉल है, एंड दैट इज सेल वॉल। उस सेल वॉल भी देखा जाए तो नॉन लिविंग, दैट इज सेल वॉल। तो अब डिस्कवरी का फाइनल कंक्लूजन पे आता हूं। डिस्कवरी के फाइनल कंक्लूजन पे, फर्स्ट फ्री लिविंग सेल एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। पहली फ्री लिविंग सेल का डिस्कवरर, प्रथम स्वतंत्र जीवित कोशिका के खोजकर्ता एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और ये बंदा था डच, ये था डच। ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। इसने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा। एक्चुअली लीवेनहॉक को माइक्रोबियल वर्ल्ड का डिस्कवरर भी कहते हैं, डिस्कवरर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत के आविष्कारक भी कहा गया इसे, सूक्ष्म जगत का आविष्कारक, ठीक है। और इसने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को इसने देखा था एज फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, प्रथम स्वतंत्र जीवित कोशिका के फॉर्म में इसने इसको देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। ये थे कोशिका की खोज के बारे में बात करी। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। अब हम आज सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इन हिंदी कोशिकावाद, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय मैथियस जे स्लेडन। He was German botanist. इसको कैसे, अभी पूरा नहीं है। सेल थ्योरी को देने वाला एक बंदा क्या हुआ, मैथियस जे स्लेडन। मोस्टली इसके जो दूसरे नाम स्लेडन से आता है, ज्यादातर क्वेश्चन स्लेडन से, तो ये नाम पहले याद रखेंगे। तो स्लेडन के बारे में पहले बता दूं, स्लेडन वॉज बॉटनिस्ट। स्लेडन बॉटनिस्ट था, एक्सपर्टाइज इन प्लांट साइंस। तो स्लेडन स्टडी प्लांट सेल्स। Sweden studied plant cells
and he said, body of plant is made up of group of cells से बनी हुई, and tissues group of cells for a specific function forms tissue. बोले plant body, plants का शरीर बोले tissues या ग्रुप ऑफ सेल्स से बना हुआ है. ये बात कहनी थी मिस्टर स्लीडन की. फिर आते हैं दूसरा नाम, इसमें थियोडोर स्वान. ये भी जर्मन बंदा था. ही वॉज ऑल्सो जर्मन. 1839 studied animal cell. इसने एनिमल सेल्स की स्टडी करी है. स्लीडन प्लांट सेल्स की स्टडी किया, एनिमल सेल की स्टडी करी स्वान ने. स्लीडन स्टडीड प्लांट सेल्स, स्वान स्टडीड एनिमल सेल. फर्स्ट कंक्लूजन उसका ये आया कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज थिन मेम्ब्रेनस लेयर. प्लांट की एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली बाउंड्री बिल्कुल पतली और मेम्ब्रेनस है. थियोडोर स्वान ने एनिमल सेल की स्टडी करते हुए बताया एनिमल सेल में सबसे बाहर की बाउंड्री थिन और मेम्ब्रेनस है, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. This layer is now known as plasma membrane. इस layer को हम आज plasma membrane कहते हैं. बिल्कुल जो पतली सी layer है इसको क्या कहते हैं हम? Plasma membrane. तो पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि animal cell में सबसे बाहर की boundary, animal cell के में सबसे बाहर की boundary plasma membrane है, ठीक है? और दूसरी बात इन्होंने जो बताई कि प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल. दूसरा उनका स्टेटमेंट था प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल In having cell wall. दूसरा स्टेटमेंट उनका ये था कि जो प्लांट सेल है एनिमल सेल से डिफर करती है वो है सेल वॉल में. तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग रिजिड लेयर सेल वॉल है और ये एनिमल सेल में नहीं मिलती. प्लांट सेल में सबसे बाहर जो रिजिड लेयर है उसको बोलते हैं सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, आउटर मोस्ट लेयर उसकी थिन मेम्ब्रेनस है, इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसके लिए टर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसको चाहे तो अपन डायग्रामेटिकली भी डिस्प्ले दे सकते हैं. अगर मैं ये बोलूं ये प्लांट सेल है तो ये कवरिंग हो गई सेल वॉल, और नेक्स्ट टू सेल वॉल बिल्कुल पतली सी लेयर जो दिख रही है ये हो गई सेल मेम्ब्रेन. और एनिमल सेल में ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन.
एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में ये जो मैंने ब्लैकिश कलर में आउटलाइन बनाई है ये सेल वॉल के लिए है, और ये एनिमल सेल में जो मैंने दिखाई है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्प्ले की है। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग, तो फिर कहता हूं प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक डिफरेंस भी इधर आ गया कि प्लांट सेल में सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, उसकी आउटर कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन। फिर थर्ड कंक्लूजन जो इन्होंने निकाला कि बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, एनिमल और प्लांट की जो बॉडी है ये किससे बनी है, ये सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से, ग्रुप ऑफ सेल से। तो कुल मिलाकर ये जो स्टेटमेंट आखिरी का है ये स्वान का हाइपोथेसिस कहलाया, ये हाइपोथेसिस है स्वान का, ये वाला हाइपोथेसिस किसका है, स्वान का, स्वान का हाइपोथेसिस। मतलब उसका ये कहना कि प्लांट्स और एनिमल दोनों में बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल की, प्लांट्स में और एनिमल में बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, बॉडी इनकी किससे बनी है, सेल से बनी हुई। तो ये स्टेटमेंट बात का था स्वान का। और फाइनली हम ये कहेंगे कि स्लीडन एंड स्वान, स्लीडन एंड स्वान इन्होंने सेल थ्योरी दिया, दोनों का मिलाकर उनका जो स्टेटमेंट है स्लीडन एंड स्वान, फिर बोलता हूं स्लीडन एंड स्वान गेव सेल थ्योरी, स्वीडन एंड स्वान। जब मेडिकल लेवल के एग्जाम्स अलग अलग स्टेट में कुछ कॉलेज अपना अलग कंडक्ट करते थे तो ऑलमोस्ट ये किसी न किसी एग्जाम में हर साल आया हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन आता ही था, स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया, स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी देने का क्रेडिट किसको जाता है, स्लीडन और स्वान को। तो ये अच्छे से याद रखेंगे, हालांकि स्लीडन वर्कड इन 1838 whereas Swan worked in 1839, that is separately work किया है, और Swan भी जर्मन था, Swan भी जर्मन था, जबकि आपकी बुक में ब्रिटिश लिखा है, you can confirm from the net also, net में कहीं पे भी जाके देखें Swan की नेशनैलिटी जर्मन ही दी हुई मिलेगी, ठीक है। तो Sladen और Swan ने सेल थ्योरी दिया, Sladen and Swan gave cell theory। बट सेल थ्योरी जो इनने दी थी उसमें सेल के ओरिजिन की बात नहीं करी थी, सेल की उत्पत्ति पर इन्होंने कोई बात नहीं करी। स्लीडन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी तो दी है परंतु इन्होंने इसके ओरिजिन पर कोई भी बात नहीं करी, ठीक है। तो ओरिजिन पर रिलेटेड बात करके जो बात आई इसमें अब मैं जो एक नाम और लिख रहा हूं, रोडोल्फ वर्चोव, रोडोल्फ वर्चोव, ये ईयर और ये नेम आपके एनसीईआरटी के सेल के चैप्टर में शुरू में ही दिख जाएंगे, और जो नाम एनसीईआरटी में आए हैं वो एक ना एक नेम बेस्ड क्वेश्चन आजकल मेडिकल में आता ही है, नेम बेस्ड क्वेश्चन मेडिकल में आने का चांस होता ही है। तो रोडोल्फ वर्चोव के बारे में बात कर रहा था, रोडोल्फ वर्चोव ने लिखेंगे आप सेल लीनियस दिया, सेल लीनियस जो कि बाद में सेल थ्योरी का पार्ट बना। रोडोल्फ वर्चोव गेव सेल लीनियस, सेल लीनियस एक्चुअली इंडिकेट करता है कंटिन्यूटी ऑफ अ सेल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन,
सेलिनियस क्या बताएगा? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ सेल फ्रॉम वन जेनरेशन टू नेक्स्ट, वन जेनरेशन टू नेक्स्ट, या नेक्स्ट जेनरेशन टू जेनरेशन सेल आता है, यही स्टेटमेंट इसका सेलिनियस माना गया। और उसने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमेनस सेलुला ए सेलुला, ओमेनस सेलुला ए सेलुला, इस स्टेटमेंट को ही हम सेलिनियस, इस स्टेटमेंट को ही हमने क्या कहा है, सेलिनियस कहा है। और इसका भी मीनिंग प्री मेडिकल का क्वेश्चन है, सेलिनियस है क्या, ये भी एक मेडिकल बेस्ड क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें इन्होंने कहा क्या है। तो सेलिनियस इंडिकेट्स या ओमेनस सेलुला ई सेलुला क्या बताता है, एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब हर सेल की जो उत्पत्ति है वो सेल से ही है। मेरा ये कहना है कि सेल है तो इसका जब रिप्रोडक्शन होगा तब नए सेल आएंगे, यानी सेल रिप्रोड्यूस करती है, सेल रिप्रोड्यूसर्स, सेल रिप्रोड्यूसर्स, तो सेल से ही सेल आती है, सेल से ही सेल आती है। इसका सिंपल सा मीनिंग, कोशिका की उत्पत्ति कोशिका से होती है। एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर सिंप्लीफाई करता हूं, रोडोल्फ वर्चोव ने सेलिनियस दिया, सेलिनियस बताता है कि सेल आई कहां से, उसके लिए छोटा सा स्टेटमेंट है, ओमेनस सेलुला ए सेलुला, दैट इज एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो कुल मिलाकर अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को सेल थ्योरी का पार्ट मान के बात करूं, तो रोडोल्फ वर्चोव मॉडिफाइड सेल थ्योरी, रोडोल्फ वर्चोव मॉडिफाइड सेल थ्योरी, रोडोल्फ वर्चोव ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। फिर लिखा रहा हूं मैं, रोडोल्फ वर्चोव, आर वर्चोव मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, रोडोल्फ वर्चोव ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। पहला स्टेटमेंट तो एज इट इज रखा गया कि बॉडी ऑफ लिविंग, बॉडी ऑफ लिविंग कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड their product, हर लिविंग की बॉडी सेल से ही बनी, हर लिविंग की बॉडी सेल से ही बनी हुई है, बॉडी ऑफ एवरी लिविंग बींग इज मेड अप ऑफ सेल, या हम इसको मॉडिफाइड वे में कहें, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग बींग। और लाइफ जब ही संभव है, स्टेटमेंट एक एनसीईआरटी का अंदर है, लाइफ जब ही पॉसिबल है जब बॉडी एटलीस्ट एक सेल से कम बनी हो, यानी सेल का होना लाइफ के लिए जरूरी है, सेल का होना लाइफ के लिए जरूरी है। और दूसरा स्टेटमेंट इनका जो वर्चोव का ऐड हुआ इससे सेल थ्योरी मॉडिफाई हुई, दैट इज एवरी सेल originates from pre-existing cell, originates from pre-existing cell, every cell originates from
प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये दो मेजर पॉइंट थे सेल थ्योरी के अंदर। मॉडर्न डे में कई बात आ गई कि सेल के लिए जो एनर्जी सोर्स है वो सेल खुद है, उसको बाहर के मटेरियल से मिल जाए वो अपने आप एनर्जी जनरेट करेगी। फिर उसके बाद सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर रहता है और एक्सप्रेस करता है और यही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। ये आजकल के कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन है विच आर नॉट इन द एनसीईआरटी, तो इसीलिए हम केवल इन दो बेसिक पॉइंट्स पे ही ज्यादा एम्फेसिस करेंगे जो सेल थ्योरी के पार्ट है। तो सेल थ्योरी स्लीडन एंड स्वान एंड इट इज मॉडिफाइड बाय आर वर्चोव। तो बाद में इसमें एडिशनल जो हुआ है उसके रिप्रोडक्शन को लेकर बस एडिशन हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी, ये था सेल थ्योरी के बारे में। अब आते हैं ओवरव्यूज ऑफ सेल, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी ओवरव्यूज ऑफ सेल। थोड़ा इस पर विचार किया जाए तो सेल के ओवरव्यूज के लिए प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए अनियन पील लिया गया। अनियन पील से सेल निकाली गई टू रिप्रेजेंट प्लांट सेल। एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करते हुए ये सेल ली गई। और दूसरा चीक से, गाल से, इनर लेयर से निकाला गया तो वो एनिमल सेल को रिप्रेजेंट करते हुए रहा। एनिमल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए चीक से लिया गया सेल। अनियन पील प्लांट सेल के लिए, अनियन यानी प्याज, प्याज का पील आपसे क्या लिया गया प्लांट सेल, और चीक से लिया गया एनिमल सेल। चीक से क्या लिया गया एनिमल सेल। अब पहली बात जो इन्होंने देखी, कि जो प्लांट सेल, में जो अनियन सेल से कंफर्म हुआ सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में यह नहीं होती। यानी चीक सेल से कंफर्म हो गया कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस जब देखा गया तब प्लांट सेल में सेल वॉल है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। फिर नंबर दो पर जो बात हुई उसके न्यूक्लियस के बारे में हुई। नेक्स्ट इसका जो बात हुआ है न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस को लेकर बात हुई। न्यूक्लियस, पहले तो मैं इसके लिए एक टर्म और सिखा देता हूं, उसको कैरी ऑन भी कहते हैं। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड कैरी ऑन। न्यूक्लियस के लिए एक शब्द और है कैरी ऑन, हिंदी में केंद्रक। तो न्यूक्लियस, कैरी ऑन और केंद्रक, इसकी स्टडी कहलाती कैरियोलॉजी। इसकी स्टडी को कहते हैं कैरियोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस की स्टडी को कहते हैं कैरियोलॉजी। फिर न्यूक्लियस की बात करूं तो अगर मैं एक सिंपल सा सेल बना के चलूं तो उसमें ये जो एक डेंस स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन बॉन्ड है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी है जिसका डिटेल सेल के आखिरी में है। अभी शुरुआत में सिर्फ ये नाम जरूर आ गया है, इन्होंने दे दिया है न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस जो है, एक तो मैंने बोला ये मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियस पर जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है, पोरस और डबल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड डबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस और डबल है। तो ये जो है स्ट्रक्चर अंदर जो डिस्प्ले हो रहा है ये न्यूक्लियस है,
सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर इस वक्त डिस्प्ले किया है दैट इज न्यूक्लियस, ये, और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है। फिर इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले पोरस एंड डबल मेम्ब्रेन, पोरस और डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक का जो झिल्ली है वो डबल या दोहरा है और पोरस है, पोरस मतलब होता छिद्र, इसको कहते हैं कैरियोथीका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए भी एक टर्म अभी से सीखे, कैरियोथीका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियोथीका, ठीक है। फिर न्यूक्लियस के अंदर आपको जो दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स दिखेंगे, जो कंडेंस स्टेट में दिख रहे हैं अभी, क्रोमोसोम्स होगा। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा इसके अंदर, डीएनए आरएनए बोथ आर फाउंड, डीएनए आरएनए भी इसके अंदर मिलेंगे, डीएनए भी मिलेगा आरएनए भी मिलेगा इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया मैंने न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस की, और ये न्यूक्लियस चाहे प्लांट सेल हो एनिमल सेल दोनों में मिलेगा। पर एक बात जो मैंने कहना चाहूंगा, ऐसी सेल जिसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हो, ध्यान दीजिएगा, सेल विथ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, सेल विथ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल, उस सेल को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल कहलाएगी यूकैरियोटिक, सेल विथ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल हो गई। तो बात हो गई एक सेल, इससे पता चला, यानी न्यूक्लियस भी दो तरह के सेल बताने वाली बात कर रहा है। न्यूक्लियस अगर संगठित है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, तो सेल क्या कहलाएगी, यूकैरियोटिक। और ऐसी सेल, ठीक है, सेल विदाउट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, विदाउट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, ऐसी सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसी सेल कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए, यानी न्यूक्लियस भी क्राइटेरिया दो टाइप के सेल बताने के लिए, ऐसी सेल जिसमें संगठित केंद्रक हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हो, दैट इज यूकैरियोटिक सेल, एंड द सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, संगठित ना हो जिस तरह का हमने पढ़ा, वैसा न्यूक्लियस ना हो, तो वो कहलाएगी प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या कहलाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल। आपने 9th क्लास में थोड़े बहुत किंगडम्स के नाम सुन रखे होंगे, तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो किंगडम मोनेरा में आती है। मोनेरा जो किंगडम है, मोनेरा किंगडम है, और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे सब में सेल कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक सेल। यानी ये किंगडम ही प्रोकैरियोटिक सेल वालों का है, किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। और बचे जो चार किंगडम है, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, उन सब में आपको यूकैरियोटिक सेल मिलेगी। तो ये भी लिख दे रहा हूं मैं, यूकैरियोटिक सेल किस किस में मिलेगी आपको, प्रोटेस्टा किंगडम में, 5 किंगडम है, उसमें से एक किंगडम है प्रोटेस्टा, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्लांटी और चौथा है एनिमेलिया। तो इनमें याद रखिएगा, इनमें याद रखेंगे आप कि यूकैरियोटिक सेल है, इनमें क्या मिलेगी, यूकैरियोटिक सेल, और मोनेरा में क्या मिलेगा आपको, प्रोकैरियोटिक सेल। तो याद रखना इस बात को, आउट ऑफ 5 किंगडम देयर इज ओनली 1 किंगडम इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स विद प्रोकैरियोटिक सेल आर केप्ट, दैट इज मोनेरा, एंड अदर 4 प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया।
अदर फोर कौन कौन सा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमेलिया, दे आर ऑल विद द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल वाले चार किंगडम में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल वाला एक ही किंगडम में आता है। यूकैरियोटिक सेल वाले चार किंगडम में आते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल वाले एक ही किंगडम के अंदर रहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, ये तो बात हो गई न्यूक्लियस से रिलेटेड, सब सारी बातें कंप्लीट हुई बहुत ब्रीफ में अभी शुरुआत में। यानी कुल जमा खर्च हमको यहां पर पता चल चुका है, इस सेल के दो टाइप है और उसमें भी मेन क्राइटेरिया न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब हर सेल में, चाहे वो प्लांट की सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन ऑल सेल। और ये जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, मेन अरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, मेन अरेना, मेन एरिया है, मेन अरेना है ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो मेन साइट, मेन अरेना, मेन पोर्शन ऑफ अ सेल is actually cytoplasm, it is found on the both cell, that is prokaryote as well as eukaryote। ठीक है, तो ये main arena है कोशिका में होने वाली जितनी activities हैं उनका। ये हो गया cytoplasm के बारे में। और एक छोटी सी बात और रखता हूं, membrane bond cell organelle में एक तो nucleus था ही, membrane bond cell organelles, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ये जो है सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल आपको केवल किसमें मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, मेम्ब्रेन से घिरे हुए। अब इसको भी समझाता हूं क्या है मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। जैसे आपने छोटी सी क्लास में एक माइटोकॉन्ड्रिया तो सुना होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। तो ये स्ट्रक्चर का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन दिख रही है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसके ऊपर आपको मेम्ब्रेन दिख रही है। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन, किसमें बोला मैंने, यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते। इसके बाद क्या रहेगा, जब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो हम टाइप्स में अलग अलग जाएंगे। पहले हमको पढ़ना पड़ेगा प्रोकैरियोटिक सेल पूरा डेप्थ में और उसके बाद हम जाएंगे यूकैरियोटिक सेल में। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल किसका फीचर है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल का, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जो प्लांट और एनिमल सेल में एक में है तो एक में नहीं। जैसे प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो है पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं। प्लास्टिड्स ये प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं। प्लांट सेल में मिलेगा लिख लेंगे यस, और एनिमल सेल में लिखोगे नो, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं मिलते। प्लास्टिड बार बार कह रहा हूं इन्हीं के कारण, इसके में पिगमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स। जैसे आपने सुना होगा ग्रीन कलर का पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल जिस प्लास्टिड में होगा उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिस प्लास्टिड में होगा वो क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड तो खैर याद रखना ये फीचर ही किस सेल का है, एनिमल सेल का फीचर नहीं है। एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलती है। फिर एक स्ट्रक्चर आते हैं अपन, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं, तो नॉन मेम्ब्रेन है, से पहले तो याद रखना इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। जो आखिरी में आपके क्रोमोसोम्स के पहले पढ़ाऊंगा इसको,
ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। प्लांट सेल में हायर प्लांट्स में नहीं पाया जाता, हायर प्लांट्स में नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में पाया जाता। सेंट्रियोल्स नॉन मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर फाउंड इन एनिमल सेल्स, नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हेल्प्स इन सेल डिवीजन। इस स्ट्रक्चर का रोल किसमें है? सेल डिवीजन में मदद करना। ये सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला स्ट्रक्चर है। फिर एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम जो भी बोलना है, प्रोनंसिएशन डजंट मैटर। राइबोसोम और राइबोसोम, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है। ये भी कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, नॉन मेम्ब्रेनस। और ये फाउंड इन ऑल सेल्स, फाउंड इन ऑल सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सभी में मिलते हैं। फाउंड इन ऑल सेल्स, फाउंड इन ऑल सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो मैंने बोला प्लांट का सेल हो या एनिमल सेल हो। तो ये कुछ ओवरव्यूज पर बात हुई है अभी, और अब कुछ जनरल डाटा देता हूं। अब कुछ मैं जनरल डाटा सेल के बारे में दे रहा हूं। जैसे नंबर एक, माइकोप्लाज्मा। ये प्रोकैरियोट है। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट, इसको PPLO भी कहते हैं। PPLO, ध्यान से सुनना, फुल फॉर्म बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो है स्मॉलेस्ट सेल है लिविंग वर्ल्ड का, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, इस लिविंग वर्ल्ड का सबसे छोटा सेल है प्ल्यूरो निमोनिया। और इसमें दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो स्मॉलेस्ट सेल आएगा, दूसरा स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल। दूसरा इसके साथ एक और वर्ड लगता है, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल। एक तो स्मॉलेस्ट का क्या सेल अकेला बोला मैंने, दूसरा मेरा कहना है कि स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है। ये है माइकोप्लाज्मा, ये हो गया माइकोप्लाज्मा। अब एक और नाम बताता हूं आपको, नंबर दो लिखेंगे बैक्टीरिया। उसमें भी एक बैक्टीरिया का नाम लिख रहा हूं, डायलेस्टर न्यूमोसेंटस। डायलेस्टर न्यूमोसेंटस, इसके बारे में खास बात यह है, ये भी स्मॉलेस्ट सेल है, ये भी स्मॉलेस्ट सेल है, पर फर्क क्या है? विद सेल वॉल। इसके लिए क्या याद रखोगे? स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल। ये जब मेडिकल का एग्जाम स्टेट वाइज होता था तब ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल बोला जाएगा तो आंसर आएगा बैक्टीरिया, ठीक है। अब नंबर तीन पे आते हैं, नंबर थ्री, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच, इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रूथियो। कैमेलस, तो ये नाम की आदत भी आपको डालनी है, साइंटिफिक नेम जितने ऑर्गेनिज्म के आप याद रख सके। स्ट्रूथियो कैमेलस,
साइंटिफिक नेम ऑफ ऑस्ट्रिच, इसके एग को लिखोगे लार्जेस्ट सेल, परंतु एनिमल में लार्जेस्ट सेल कैटेगरी डालेंगे एनिमल की। नंबर चार लिखेंगे रेमी फाइबर, रेमी फाइबर ये लॉन्गेस्ट सेल है प्लांट्स में, लॉन्गेस्ट सेल प्लांट्स में। रेमी एक प्लांट का नाम, उसका रेशा जो होता है सबसे लंबा है, और रेमी प्लांट का भी साइंटिफिक नेम बता दे रहा हूं, बोमेरिया निविया, बोमेरिया निविया साइंटिफिक नेम ऑफ रेमी, बोमेरिया निविया साइंटिफिक नेम ऑफ रेमी। इसका फाइबर सबसे लंबी सेल है बट प्लांट्स में, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट। नंबर फाइव नर्व सेल या न्यूरॉन, नर्व सेल और न्यूरॉन, न्यूरॉन और नर्व सेल तंत्रिका कोशिका, ये भी लॉन्गेस्ट सेल है परंतु एनिमल में, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल नर्व सेल न्यूरॉन, ठीक है। और एक बात और बचती है प्लांट्स में सबसे बड़ी सेल, जैसे एनिमल में मैंने बोला आपको ऑस्ट्रिच एग बोला, अब नंबर सिक्स लास्ट है ये, इसके लिए लिखेंगे लार्जेस्ट प्लांट सेल, लार्जेस्ट प्लांट सेल। इसमें एक एल्गी का नाम आता है एसीटा बोलेरिया, ये एक ही सेल का पूरा प्लांट है, एसीटा बोलेरिया, ये ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है, और सबसे बड़ी प्लांट सेल है, लार्जेस्ट प्लांट सेल, लार्जेस्ट प्लांट सेल एसीटा बोलेरिया एंड इट्स अ ग्रीन एल्गी, इट इज अ ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये सबसे बड़ी सेल है और ये यूनिसेल है, ये इसका पूरा प्लांट ही यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी, यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, जिसका स्ट्रक्चर देख के आपको लगेगा भी नहीं कि एक सेल का है, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ होता है एक कैप, ये होता है इसका कैप, ये होता है फिर उसका स्टॉक, और ये होता है उसका राइजोइड। कैप नंबर दो पे आता है स्टॉक, और थर्ड जो राइजोइड है जहां इसका न्यूक्लियस भी है, ये राइजोइड, ठीक है, ये है एसीटा बोलेरिया, सिंगल सेल प्लांट है, आपको लग भी नहीं रहा होगा कि एक सेल का हो सकता है, ठीक है, पूरा प्लांट एक सेल का है, इसमें से बेसल पोर्शन जहां राइजोइड लिखा है यही इसका न्यूक्लियस है, यही इसका न्यूक्लियस है, ये हो गया लार्जेस्ट प्लांट सेल, ठीक है। तो ये थे कुछ आपको ओवरव्यूज पर मैंने बात करी, और दो टाइप के सेल आए, और दूसरा प्लांट्स और एनिमल सेल का कंपैरिजन भी आया, ठीक है। मैं अपने इस नोट्स इसके साथ में वीडियो लेक्चर्स के साथ में नोट्स भी अवेलेबल करता हूँ, ठीक है, नोट्स मेरे अपने ऐप पर देखने को मिलेंगे।